हाय गाइस वेलकम टू एच पी इन्फोटेक सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी में बल्क यूजर्स कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग पावर सेल एंड सी फाइल सो so, सबसे पहले हम एक सी फाइल क्रिएट करेंगे जिसमें यूजर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी जो यूजर्स हमें क्रिएट करने हैं देन हम एक पावर सेल स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करेंगे बेस्ड ऑन सी फाइल फील्ड्स एंड देन हम स्क्रिप्ट फाइल को रन कराएंगे टू इंपोर्ट यूजर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सी एस वी फाइल इन टू एक्टिव डायरेक्ट्री तो चलिए स्टेप बाई स्टेप देखते हैं हाउ टू क्रिएट बल्क यूजर्स इन एक्टिव डायरेक्ट्री सो ये है हमारे एच पी आई टी डॉट कॉम डोमेन की डोमेन कंट्रोलर मशीन जिसमें हम बल्क यूजर्स क्रिएट करेंगे और इसमें हमने एक एक्सेल फाइल क्रिएट की है जिसमें हमने यूजर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर की है तो यहाँ पे जो हमने फील्ड ऐड किए हैं वह है यूज़र का फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज़र नेम जो कि होगा यूज़र का लॉग नेम या जिसे सेम अकाउंट नेम भी कहा जाता है यूज़र पासवर्ड ओ यू और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स इसके अंडर हम देते हैं यूज़र अकाउंट का पाथ जहाँ पे हम यूज़र अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं इसके अलावा यहाँ पे हमने ऐड किया है यूज़र का डिपार्टमेंट जो कि एक ऑप्शनल फील्ड है और यहाँ पे हम अदर फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं लाइक ई मेल एड्रेस जॉब टाइटल एट्सट्रा एज़ पर यूजर अकाउंट प्रॉपर्टीज और जो जो फील्ड हम यहाँ पे ऐड करेंगे उन फील्ड्स की एंट्री हमें करनी होगी अपनी स्क्रिप्ट फाइल में सो so, यहाँ पे ये हमारे मैंडेटरी फील्ड्स हैं एंड अदर फील्ड्स हमारे ऑप्शनल होते हैं सो so, यहाँ पे जो हम यूजर अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं वो हैं पंथ जिसे हमने यूज़र लॉगिन नेम दिया हैरी पी और ये यूज़र user हम यूजर्स के अंडर क्रिएट करना चाहते हैं सो so, इसका पाथ होगा सी एन इक्व टू यूजर्स सी एन विच इज़ कॉमन नेम कॉमा डी सी इक्वस टू एच पी आई टी जो कि हमारे डोमेन का नेम है कॉमा डी सी इक्वस टू कॉम जो कि हमारा टॉप लेवल डोमेन है और इस यूज़र का डिपार्टमेंट हम दे रहे हैं एडमिन ट्रेनिंग यूज़र वन जिसका यूज़र लॉगिन नेम है टी यूज़र वन और सपोज ये यूज़र हम एक ट्रेनिंग नाम के ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंडर क्रिएट करना चाहते हैं सो इसका पाथ होगा ओ यू टू ट्रेनिंग कॉमा डी सी इक्वस टू एच पी आई टी कॉमा डी सी इक्व टू कॉम और अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का पाथ एट्रीब्यूट देखना हो तो ओपन सर्वर मैनेजर गो टू टूल्स एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स सो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेल्स और ट्रेनिंग हमारे दो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्रिएटेड हैं सो राइट क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स गो टू प्रॉपर्टीज़ अभी हमें यहाँ पर केवल ये तीन ऑप्शन मिल रहे हैं सो so यहाँ पर हम करेंगे व्यू एडवांस फीचर्स सो उसके लिए गो टू व्यू एंड सलेक्ट एडवांस फीचर्स नाव राइट क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट गो टू प्रॉपर्टीज एंड क्लिक ऑन एट्रीब्यूट एडिटर सी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका पाथ जो कि है ओ यू इक्वस टू ट्रेनिंग कॉमा डी सी इक्व टू एच पी आई टी कॉमा डी सी इक्व टू कॉम सिमिलरली अगर हम सेल्स ओयू के पाथ एट्रीब्यूट्स देखें राइट क्लिक ऑन सेल्स प्रॉपर्टीज एंड एस्ट्रीब्यूट एडिटर सो इसका पात है ओ यू इक्वस टू सेल्स कॉमा डी सी इक्वस टू एच पी आई टी कॉमा डी सी इक्व टू कॉम सो अभी हम देख सकते हैं सेल्स ओ यू में हमारा कोई भी यूजर अकाउंट नहीं है एंड ट्रेनिंग ओ यू में भी कोई यूजर अकाउंट क्रिएटेड नहीं है सो so, यहाँ पे हम ट्रेनिंग यूज़र वन एंड ट्रेनिंग यूजर टू यूज़र अकाउंट क्रिएट करेंगे ट्रेनिंग ओ यू में एंड सेल्स यूजर वन एंड सेल्स यूजर टू दो अकाउंट्स क्रिएट करेंगे सेल्स ओ में और सेल्स यूजर्स का डिपार्टमेंट हम देंगे मार्केटिंग सो so, अब इस फाइल को हम सेव करेंगे एज अ सी फाइल अब यहाँ पे सी ड्राइव में मैंने बल्क नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया है जिसमें हम इस सी फाइल और अपनी स्क्रिप्ट फाइल को सेव करेंगे सो गो टू फाइल सेव एज ब्राउज ओपन सी ड्राइव ओपन बल्क फोल्डर अब यहाँ पे फाइल नेम है बी यूजर्स और सेव एज टाइप में हम करेंगे सी एस बी सो क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो एंड सेलेक्ट सी एस वी कॉमा डी लिमिटेड एंड क्लिक ऑन सेव समीचर्स इन योर वर्क बुक माइड बी लॉस्ड इफ यू सेव इट एज सी एस बी डू यू वॉन्ट टू कीप यूजिंग दिस फॉमेट सो क्लिक ऑन येस नाउ क्लोज दिस सी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी एक सी एस वी फाइल क्रिएट हो गई है और अगर आप चाहें तो एम एस की जगह नोट पैड फाइल में भी यूज़र्स की इंफॉर्मेशन ऐड करके उसे सेव कर सकते हैं एज़ अ सी एस वी फ़ाइल यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ कि वो चीज़ आप कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पे हम नोट पैड ओपन कर लेते हैं अब जैसे एक्सेल शीट में हम यूज़र अकाउंट्स के डिफरेंट फील्ड्स को सेपरेट कॉलम्स में ऐड करते हैं नोट पैड में हम उन फील्ड्स को सेपरेट करेंगे कॉमा से लाइक फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा यूज़र नेम कॉमा एंड सो ऑन एंड सिमिलर फॉर्मेट में हम यूज़र इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे लाइक फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा यूजर लॉग इन नेम कॉमा एंड ऑन एंड देन हम इस फाइल को सेव करेंगे एज अ सी एस बी फाइल सो गो टू फाइल एंड क्लिक ऑन सेव अब यहाँ पे सपोज हम फाइल नेम दे देते हैं टेस्ट अब इसका जो हम एक्सटेंशन रखेंगे वो रखेंगे सी एस बी सो टेस्ट डॉट सी एस एंड क्लिक ऑन सेव देन क्लोज दिस तो ये हमारी सी एस बी फॉर्मेट में सेव हो गई है सो so, अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ डिलीट सो so, यहाँ पे हमने सी ड्राइव में बल्क फोल्डर के अंडर बी यूजर्स नाम से एक सी एस बी फाइल क्रिएट कर ली है जिसमें हमारे यूज़र्स की इंफॉर्मेशन स्टोर है सो so, अब पावर सेल में हम क्रिएट करते हैं एक स्क्रिप्ट फाइल सो पावर सेल ओपन करने के लिए क्लिक ऑन स्टार्ट आइकन तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है विंडोज़ पावर सेल एंड विंडोज़ पावर सेल आई एस ई आई एस ई विच इज इंटीग्रेटेड स्क्रिप्टिंग एनवायरमेंट जो कि पावर सेल का ही एडवांस टूल है जिसमें हमें कमांड्स हेल्प मिल जाती है सो वी विल कंटिन्यू विथ पावर सेल आई ए सी सो क्लिक ऑन इट सो स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करने के लिए क्लिक ऑन दिस आइकन जो कि है न्यू स्क्रिप्ट का और अब हम अपने सी एस बी फाइल के अकॉर्डिंग एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स क्रिएट करने के लिए स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे अब यहाँ पे टाइपिंग में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने वीडियो को पॉज करके पूरी स्क्रिप्ट टाइप कर ली है सो अब हम समझ लेते हैं कि स्क्रिप्ट फाइल में हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे और स्क्रिप्ट फाइल में जिस लाइन के आगे हम है सिंबल ऐड कर देते हैं वो एक कमेंटेड लाइन होती है जो स्क्रिप्ट रन कराते टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगी सो कमेंटेड लाइन्स यहाँ पे हैं केवल चीज़ों को समझने के लिए अब यहाँ पे हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स क्रिएट कर रहे हैं सो सबसे पहले हम एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल को इम्पोर्ट करेंगे जिसके लिए कमांड होती है इम्पोर्ट हाइफन मॉड्यूल स्पेस एक्टिव डायरेक्ट्री देन यहाँ पर हम देंगे कि जो एक्टिव डायरेक्ट्री यूजर्स और एडी यूजर्स हम क्रिएट करना चाहते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन किस सी एस वी फाइल से इम्पोर्ट होगी सो उसके लिए हम देंगे वेरिएबल ए डी यूजर्स स्पेस इक्वल साइन स्पेस इम्पोर्ट हाइफन सी एस वी मीन्स हम एक सी एस वी फाइल को इम्पोर्ट करा रहे हैं स्पेस उस सी एस वी फाइल का लोकेशन जो कि यहाँ पे हमारा है सी ड्राइव में बल्क नाम के फोल्डर के अंडर बी यूजर्स डॉट सी एस बी फाइल नेम से सी यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हम मैनुअली पार्ट टाइप करते हैं तो ये यह यहाँ पे हमें शो कर देता है कि बल्क के अंदर बी यूजर्स डॉट सी एस बी नेम से एक फाइल सेव है इट एंड एंटर अब यहाँ पे CSV फाइल से रो बाय रो डेटा फेच करने के लिए हम CSV फाइल के रोज़ को लूप करवाएंगे जिसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर ईच कमांड का सो so यहाँ पे हमने दिया है फॉर ईच वेरिएबल यूज़र इन वेरिएबल ए डी यूजर्स अब हम डिफाइन करेंगे कि हर रो में जो डिफरेंट फील्ड्स हैं वहाँ से वो यूज़र डेटा रीड करे। सो so उसके लिए सी एस वी फाइल में जो जो यूज़र फील्ड्स हमने क्रिएट किए हैं जो कि हमने कॉलम्स में ऐड किए थे उनकी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ऐड करेंगे सो so, उसके लिए हम यूज़ करेंगे वेरिएबल यूज़र नेम इक्वस टू वेरिएबल यूज़र डॉट यूज़र नेम और ये है हमारे सी फाइल का यूज़र नेम फील्ड सिमिलरली वेरिएबल पासवर्ड इक्वस टू वेरिएबल यूजर डॉट पासवर्ड वेरिएबल फर्स्ट नेम इक्वस टू वेरिएबल यूज़र डॉट फर्स्ट नेम फॉर लास्ट नेम वेरिएबल यूज़र डॉट लास्ट नेम ओ यू इक्वस टू यूजर्स डॉट ओ यू ओ यू जो हमारे यूजर अकाउंट्स का पाथ है जहाँ पे हम यूजर अकाउंट्स क्रिएट करना चाहते हैं जो कि हमने डिफाइन किया है अपने सी एस वी फाइल के ओ यू सेक्शन में एंड डिपार्टमेंट इक्व टू यूजर डॉट डिपार्टमेंट अब यहाँ पे अगर हमने अपनी सी एस वी फाइल में अदर फील्ड्स भी ऐड किए होते लाइक एड्रेस जॉब टाइटल कंट्री एट्सट्रा तो सिमिलरली उन फील्ड्स को भी हम यहाँ पे ऐड कर देते देन यहाँ पे हमने एक इफ़ कंडीशन लगाई है चेक टू सी इफ़ द यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन ए डी मीन्स हम चाहते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी में सेम नेम से अगर कोई ऑलरेडी यूजर क्रिएटेड है तो उसके लिए हमें वार्निंग आ जाए सो so, उसके लिए हमने यहाँ पे इफ कंडीशन दी है जो कि है इफ़ गेट हाइफन ए डी यूजर इस्पेस हाइफन एफ सेम अकाउंट नेम हाइफन ई क्यू इस्पेस वेरिएबल यूजर नेम मीन्स यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अगर किसी यूज़र का सेम अकाउंट नेम जो कि बेसिकली यूजर लॉग इन नेम होता है इक्व टू जो सी एस बी फाइल है इसके यूजर नेम के सिमिलर है मीन सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि अगर उस नाम से यूज़र ऑलरेडी क्रिएटेड है देन यहाँ पे हमने दिया है राइट right वार्निंग कि हमें एक वार्निंग आ जाए और डबल कोट में हम देंगे जो चीज़ हमें प्रिंट करवानी है जो कि हमने यहाँ पे दिया है अ यूज़र अकाउंट विद यूज़र नेम जिस नेम से यूज़र होगा ऑलरेडी एग्जिस्ट इन एक्टिव डायरेक्ट्री तो अगर कोई सेम नेम से यूज़र क्रिएट होगा तो हमें वार्निंग मिल जाएगी एल्स अदरवाइज न्यू ए डी यूज़र मीन्स यहाँ पर कमांड रन होगी न्यू ए डी यूज़र क्रिएशन की जो कि एक्टिव डायक्टिव यूज़र क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है सो so, यहाँ पे हम ऐड करेंगे इन फील्ड्स को हाइफन सेम अकाउंट नेम स्पेस सेम अकाउंट नेम क्या होगा जो वेरिएबल यूज़र नेम है सी जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि वेरिएबल यूज़र नेम इज़ वेरिएबल यूज़र डॉट यूज़र नेम जो हमारे सी एस बी फाइल का यूजर नेम फील्ड है यूजर प्रिंसिपल नेम स्पेस वेरिएबल यूजर नेम एट द रेट एच पी आई टी डॉट कॉम तो जो भी हम यूजर क्रिएट करेंगे उनका यूपीएन नेम और यूजर प्रिंसिपल नेम होगा यूजर नेम एट द रेट एच पी आई टी डॉट कॉम जो कि हमारा डोमेन है हाइफन नेम नेम में हमने क्या क्या दिया है फर्स्ट नेम दिया है एंड लास्ट नेम दिया है हाइफन गिवन नेम यूजर को जो नेम हमने दिया है वो उसका फर्स्ट नेम इफन सर नेम जो कि उसका लास्ट नेम है हाइफन इनेबल स्पेस वेरीबल ट्रू मीन्स हम यूजर अकाउंट को इनेबल कर रहे हैं अगर हम यहाँ पे ट्रू की जगह फॉल्स कर दें तो यूजर अकाउंट क्रिएट होगा बट वो डिसेबल रहेगा सो यूजर अकाउंट डिसेबल ना रहे इसके लिए हम देते हैं इनेबल ट्रू यूजर का डिस्प्ले नेम हम दे रहे हैं लास्ट नेम देन फर्स्ट नेम मीन्स जो यूजर का डिस्प्ले नेम होगा जैसे सपोज यूजर का फर्स्ट नेम है हैरी लास्ट नेम है पंथ तो यूजर का जो डिस्प्ले नेम दिखेगा वो दिखेगा पंत हैरी देन हम यहाँ पे देंगे हाइफन पाथ कि किस लोकेशन पे हम यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और वो हमने डिफाइन किया था ओ यू सेक्शन के अंदर सो यहाँ पे हमने दिया है वेरिएबल ओ यू एंड वहाँ पे हमने एक वेरिएबल और दिया था डिपार्टमेंट सो डिपार्टमेंट के लिए जो डेटा कैप्चर करेगा वो डिपार्टमेंट कॉलम से करेगा एंड हाइफन अकाउंट पासवर्ड सो पासवर्ड फील्ड में हम दे रहे हैं कन्वर्ट टू हाइफन सिक्योर स्ट्रिंग स्पेस वेरिएबल पासवर्ड स्पेस हाइफन एज प्लेन टेक्सट हाइफन फोर्स जो कि यूज होता है पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए और यहाँ पे हमने दिया है हाईफन चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन स्पेस वेरिएबल ट्रू मीन्स यहाँ पे हम बता रहे हैं कि यूजर जब फर्स्ट टाइम लॉग इन करेगा तो उसे अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा जैसे हम जियो से यूजर अकाउंट क्रिएट करते टाइम पासवर्ड सेक्शन में सेलेक्ट करते हैं चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन सो यहाँ पे उसके लिए हम देते हैं हाईफन चेंज पासवर्ड एट लॉग ऑन एंड हमने उसको किया है ट्रू मीन्स येस वी वॉन्ट यूजर्स टू चेंज दियर पासवर्ड वेन दे फर्स्ट टाइम लॉग इन इन दियर सिस्टम्स देन फाइनली यहाँ पे जो लूप्स हमने ओपन किए थे उन लूप्स को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे सी जैसे हम देख सकते हैं यहाँ से हमने लूप ओपन किया था इसके अलावा यहाँ पे हमने एक लूप क्रिएट किया था जो यहाँ पे क्लोज हो गया है और एक लूप यहाँ पे क्रिएट किया था जो यहाँ क्लोज हुआ है और जो फर्स्ट लूप हमने यहाँ क्रिएट किया था वो भी हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा न्यू हाइफन ए डी यूज़र स्पेस के बाद यहाँ पे हम देंगे बैक कोट देन एंटर हाइफन सेम अकाउंट नेम स्पेस वेरिएबल यूज़र नेम स्पेस बैक कोट सो यहाँ पे हम हर लाइन एंड करेंगे विद बैक कोट अदरवाइज स्क्रिप्ट रन कराते टाइम एरर आ सकती है सो स्क्रिप्ट रन कराने से पहले एक बार हम इस स्क्रिप्ट फाइल को सेव कर लेते हैं सो क्लिक ऑन सेव स्क्रिप्ट एंड इसको भी मैं सेव कर देता हूँ सी ड्राइव में अंडर बल्क फोल्डर सपोज इसे नेम दे देते हैं बल्क यूज़र एंड सेव एज टाइप इज पावर सेल फाइल डॉट पी एस वन सो क्लिक ऑन सेव और यहाँ पे आप चाहें तो पहले इस स्क्रिप्ट को नोट पैड फाइल में टाइप कर सकते हैं और उस नोट पैड फाइल को हम सेव करेंगे विद पी एस वन जो कि पावर सेल का एक्सटेंशन होता है सी यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इसका एक्सटेंशन है डॉट पी एस वन एंड देन हम ओपन स्क्रिप्ट से उस फाइल को डायरेक्टली यहाँ पे ओपन करके रन करा सकते हैं सो so, अब हम इस स्क्रिप्ट फाइल को रन कराते हैं सो so, इस स्क्रिप्ट फाइल को रन कराने के लिए क्लिक ऑन रन स्क्रिप्ट आइकन जो कि हमें यहाँ पे प्ले बटन आइकन की तरह शो होता है सो क्लिक ऑन इट सी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्क्रिप्ट हमारी सक्सेसफुली रन हो गई है और यहाँ पे हमें कोई भी एरर नहीं आई है इट मीन्स हमारे यूज़र अकाउंट्स क्रिएट हो गए हैं सो so, एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं सो ओपन सर्वर मैनेजर टूल्स एक्टिव डायरेक्ट यूजर्स एंड कंप्यूटर्स नाउ क्लिक ऑन सेल्स सी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेल्स यूज़र वन एंड सेल्स यूजर टू हमारे दो यूज़र क्रिएट हो गए हैं नाउ क्लिक ऑन ट्रेनिंग ट्रेनिंग में भी हमारे दो यूज़र क्रिएट हो गए हैं और एक यूज़र हमने क्रिएट किया था यूज़र्स के अंडर जो कि था हैरी पंथ नेम से सो क्लिक ऑन यूज़र्स सी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हैरी पंथ यूज़र भी हमारा क्रिएट हो गया है सो so, एक बार यूजर अकाउंट की प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं सो राइट क्लिक गो टू प्रॉपर्टीज़ सी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट नेम इज़ हैरी लास्ट नेम इज पंथ एंड डिस्प्ले नेम में हमने दिया था लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम सो यहाँ पे आ रहा है पंत हैरी अगर हम क्लिक करें अकाउंट पे सी यहाँ पे हम देख सकते हैं यूज़र लॉग ऑन नेम जो कि हमने दिया था हैरी पी एंड अकाउंट ऑप्शन में भी हम देख सकते हैं यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन बिकॉज हमने चेंज पासवर्ड एट लॉग ऑन को किया था ट्रू सी यहाँ पे हम देख सकते हैं डिपार्टमेंट हमने दिया था एडमिन सो so, एक बार हम ट्रेनिंग यूजर की प्रॉपर्टीज भी वेरीफाई कर लेते हैं सो राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ सी फर्स्ट नेम इज़ ट्रेनिंग सेकेंड नेम इज़ यूज़र टू एंड डिस्प्ले नेमिंग यूजर टू ट्रेनिंग अकाउंट लॉग ऑन नेम इज़ टी यूज़र टू एंड यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट इज़ ट्रेनिंग सो यहाँ पे हम देख सकते हैं सी एस बी फाइल और पावर सेल का यूज करके एक्टिव डायरेक्ट्री में बल्क यूज़र्स क्रिएट हो गए हैं इस वीडियो में जो मैंने स्क्रिप्ट फाइल और सी एस बी फाइल क्रिएट की है अगर आपको लगता है कि वो कहीं पे आपको हेल्प कर सकती हैं तो यू कैन कमेंट आई शेयर दोज फाइल्स विथ यू एंड आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एक्टिव डायरेक्ट्री में सी एस बी फाइल और पावर सेल का यूज करके कैसे बल्क यूजर्स क्रिएट करते हैं और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं सो रेगुलर अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए सो कीप वॉचिंग हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू